हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज मैं आपके पास बहुत दिन के बाद एक रेसिपी व्लॉग लेकर आई हूँ। एंड ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ऑमलेट कड़ी की रेसिपी है, जिसमें हर घर पे अपने स्टाइल से ये बनती है। बट ये आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे स्टाइल से ऑमलेट कड़ी की एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ मैं लेकर आई हूँ। जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात है, मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है इंग्रेडिएंट्स के मामले में। और जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपके घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो आप आराम से अपने किचन से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके ये जो आइटम है ये बना सकते हो, ये डिश आप बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है एंड जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इजी रेसिपी है, वो आराम से इसको बना सकते हैं। एंड जनरली इसको राइस के साथ हम लोग सर्व करते हैं, आप रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी ऑमलेट कड़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ दो प्याज ले लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, साथ में दो हरी मिर्च ली है और कुछ धनिया पत्ती मैंने चॉप करके रख लिया है। अब आते हैं मसालों की तरफ, पाउडर्ड मसालों की तरफ। तो यहाँ पे धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर है एंड हल्दी या नमक तो रहेगा ही रहेगा। और मसाले जो है ना, आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो ब्लेंड कर लिया है हमने, एक टमाटर, एक प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे मैं चार अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप देख लो आपको कितने यूज़ करने हैं। एंड एक आलू ले लिया है जिसको ऐसे मोटे टुकड़ों में मैंने, लंबे और मोटे टुकड़ों में मैंने काट के रख लिया है। अच्छा, जो भी मैं पाउडर्ड मसाले इसमें यूज़ कर रही हूँ सारे होममेड है, मैंने बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं करा, इसमें सारे होममेड पाउडर्ड मसाले हैं। तो आप भी अगर घर पे मसाले बनाते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंड फ्रेश रेडी होकर आता है, रादर आप बाहर से मंगा रहे हो तो। तो अभी एक बोल ले लिया है मैंने और इसमें ना थोड़े से प्याज ऐड कर दिए हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी मिर्च ऐड की है मैंने, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करा है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम लोग जो है ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से क्या होता है ना, जब हम अंडे ऐड करते हैं, पहले ही अगर हम प्याज वगैरह में नमक ऐड कर लेते हैं तो अंडों में बहुत अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाता है एंड ऐसी गुंजाइश नहीं रहती कि कहीं कम है या कहीं ज़्यादा है। तो एनीवेज, अभी यहाँ मैंने धनिया पत्ती भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैंने चार अंडे यहाँ ऐड करके इसको अच्छे से ना हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप अंडे जितने देर तक फेंटोगे ना, उतना आपका जो ऑमलेट है वो फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे तरीके से आपको जो है ना अंडों को फेंट लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और किसी भी लाडल की मदद से, दो दो लाडल जो है ना, या फिर आप किसी भी चीज़ की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे भी आपको डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से हम लोग ऑमलेट इसमें ऐड करते जाएंगे। और मेरे टोटल तीन ऑमलेट बन के रेडी हुए थे। और ऑमलेट बनाने का भी बहुत सही तरीका होता है, ऑमलेट कड़ी जब आप बनाते हो तो आपको फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड कैसे करते जाना है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर करके ऑमलेट बनाने हैं, मतलब नॉर्मली आप ऑमलेट नहीं बनाना, आपको सिर्फ टर्न नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से उसको फ़ोल्ड करते जाना है। एंड फोल्ड करने के बाद आप, मेरे इस तरह से तीन ऑमलेट तैयार हो गए हैं। फ़ोल्ड करने का मकसद जो है ना वो ये रहता है कि फ़ोल्ड करने से जब हम कट करते हैं ना इस तरह से अंडों को, तो काफ़ी थिक सा वो दिखता है और काफ़ी अच्छा शेप भी आ रहा होता है। तो इसलिए फ़ोल्ड कर करके अगर आप बनाते हो तो वो खूबसूरत भी दिखता है एंड थिक सा भी रेडी होकर आता है। अच्छा, तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और हम सरसों के तेल से ये बना रहे हैं। तो आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करें, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसी ऑयल में सबसे पहले जो आलू हमने काट के रखे थे ना, काफ़ी बड़े एंड मोटे टुकड़ों में मैंने काट के रखा था, तो इसको हम लोगों को फ्राई कर लेना है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, नमक और हल्दी ऐड करके फ्राई करना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर उसी ऑयल में हम लोग जो प्याज और जो मसाले बाकी के हमारे हैं हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो जो मेरे बचे हुए चॉप किए हुए प्याज थे मैंने इसमें वो ऐड कर दिए हैं और उनको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो ब्लेंड किया हुआ मसाला था ना मेरा, मैंने वो ऐड कर दिया यहाँ पर। और ब्लेंड किए हुए मसाले ऐड करने के बाद हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको स्टर कर लेंगे और उसके बाद जो पाउडर्ड मसाले हैं हम वो सारे ऐड करेंगे।
वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या पाउडर्ड मसाले हैं, लेकिन मसाले अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। मैंने अलग से इसमें रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करा है, क्योंकि मसाले में जब ब्लेंड कर रही थी ना मैं, उसी वक्त मैंने मिर्च ऐड कर दिया था, और प्लस हम लोग ब्लैक पेपर भी ऐड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा तीखा ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रही। अगर आपको चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो बस मसाला हमारा यहाँ फ्राई हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप मसाला फ्राई करते हो ना, तो आपको अच्छे से उसको फ्राई करना है, ऑयल रिलीज़ होने तक आपने फ्राई करना है। एंड कुछ देर के बाद ना, ये जो आलू आपने फ्राई करके रखे थे, आप वो ऐड कर दो इसमें, ताकि आलू जो है मसाले के साथ अच्छे से भुन जाए। एंड जब तक हमारा मसाला भुनेगा ना, तब तक आलू जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा एंड पक जाएगा बेसिकली। अगर आपको लग रहा है कि बॉटम से वो चिपक रहा है ना, तो आप हल्के हल्के पानी की छींटे मार के आप जो है ना उसको पका सकते हो। बट मैंने बस मैंने ढक दिया था किसी बर्तन से, और फिर ये ना बहुत अच्छे से पक गया था। तो जब मसाला अच्छे से भुन गया था मेरा, तो फिर मैंने उस पॉइंट पे इसमें जो है ना पानी ऐड कर दिया, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया। अब पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे, और उबाल आने के बाद ना हम लोग जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, एंड धनिया पत्ती जो मैंने चॉप करके अलग से रखी हुई थी ना, वो हम लोग ऐड कर देंगे। आप कुछ भी बना रहे हो, अगर उसमें आपने धनिया पत्ती ऐड कर दी ना, तो उसका स्वाद दुगना कर देता है। एंड तो हमने एकदम जेनरसली यहाँ पे धनिया की पत्ती ऐड की है, और जो हमारा ऑमलेट खड़ी है उसको हमने उबाल आने के लिए छोड़ दिया है। एंड आप देख लो, बहुत सही उबाल आ चुका है, और जैसे जैसे उबाल आएगा जो ग्रेवी है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको ये एकदम ड्राई चाहिए या थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल ग्रेवी चाहिए जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हो। और बस फिर क्या है, फिर हमारी ऑमलेट कड़ी बिल्कुल तैयार है। तो बस देख ही लिया आपने कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऑमलेट कढ़ी बना सकते हैं। एंड अगर आप एक बिगिनर है ना, तो आपके लिए तो मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान हो चुका है ऑमलेट कढ़ी बनाना। तो इसको एक बार तो घर में ज़रूर से ट्राई करें, एंड अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो यहाँ से बिल्कुल मत जाइएगा।